अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों, आज हम वर्ल्ड की तीसरी क्लास लेके आए हैं आपके लिए। पहले दो क्लास हमने बनाई थी, उसमें हमने कुछ वर्ल्ड की बेसिक चीज़ें बताई थी और प्रिंट, इसके प्रिंट की सेटिंग करना, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का तरीका बताया था, ठीक है। और फाइल के ऑप्शन में कोई दो को ऑप्शन और रहते हैं, ये वाले एक अकाउंट का ऑप्शन रहता है और एक जो है ना शेयर का रहता है, ठीक है। तो ये हम दोनों एक और वीडियो में बताएंगे आपको कि इसका जो अकाउंट है हमने वो कैसे बनाना है, और वो हम फिर किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज हम जो है ना होम के टैब में जो कुछ फंक्शंस हैं उनके बारे में देखेंगे कि हम इनको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होम का टैब है, इसमें ये पहले कुछ फंक्शंस हैं, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए हम एक कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं जिसमें कुछ वर्क हुआ हो। यहाँ से हम तो ये एक फाइल है, एक डॉक्यूमेंट मैंने बनाया हुआ है फिजिक्स का। तो इसमें हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे और आपको ये टूल्स जो हैं होम के ये हम सारे बताएंगे, ठीक है। तो ये जो पहला टूल्स है ना हमारा, ये पेस्ट का है, कॉपी पेस्ट का, ठीक है। इसमें एक पेस्ट स्पेशल है तो दूसरा एक सिंपल पेस्ट है, ठीक है। अगर हम यहाँ से इस चीज़ को कॉपी करते हैं, यहाँ से हम इसको, या ये कॉपी का ऑप्शन है, इसको हम कंट्रोल प्लस सी की मदद से भी हम कॉपी कर सकते हैं। हमने इस लाइन को कॉपी किया और नीचे लाके यहाँ पे हम अगर इस बटन को पर क्लिक करेंगे तो वही लाइन सेम टू सेम इस जगह पे आ जाएगी, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट है, यानी कि एक जगह से हम चीज़ को कॉपी करके दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने इसे कॉपी, एक पहले कॉपी किया कीबोर्ड से, अगर हम कंट्रोल प्लस सी प्रेस करेंगे फिर भी ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इस बटन के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो फिर भी ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और ये कॉपी हमने यहाँ से कॉपी किया, और दूसरा जो हमारा है यहाँ से पेस्ट स्पेशल, ठीक है, पेस्ट करेंगे। और यहाँ से जो सिंपल पेस्ट है उसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो सिंपल जो टेक्स्ट पहले जैसा है वही उस दूसरी जगह पे भी पेस्ट हो जाएगा, लेकिन जो पेस्ट स्पेशल है उसको अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद वो पूछेगा कि आपने किस टाइप का टेक्स्ट जो है वो पेस्ट करना है, ठीक है। कॉपी हमने जो टेक्स्ट किया होगा उसके बारे में, ये जब हम पेस्ट स्पेशल करेंगे तो उसके बारे में ये पूछेगा कि आपने पिक्चर की टाइप का टेक्स्ट जो है वो पेस्ट करना है, या HTML फॉर्मेट में करना है, या अनफॉर्मेटेड यूनिक कोड टेक्स्ट में करना है, या किसी भी फॉर्मेट में आप इसे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम अगर पिक्चर की टाइप का पेस्ट करना चाहें तो हम इसे पेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये पिक्चर की टाइप का जो है ना, ये देखें सारे फंक्शन इसके जो है वो पिक्चर की एडिटिंग के तलक आ रहे हैं सारे फंक्शन, ठीक है। यानी कि ये एक पिक्चर बन चुकी है, इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो पिक्चर में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है, ठीक है। पेस्ट और पेस्ट स्पेशल का आपको पता चल चुका है कि इनमें क्या फ़र्क है। पेस्ट जो है वो सिंपल, जो जैसा हमने टेक्स्ट कॉपी किया होगा वैसा वो पेस्ट कर देगा, ठीक है। और जो पेस्ट स्पेशल है वो हम जब हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमसे ये फॉर्मेटिंग पूछेगा, यानी कि आपने किस फॉर्मेट में अपने टेक्स्ट को पेस्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है कट का, यानी कि ये भी कॉपी पेस्ट जैसे ही काम करता है, लेकिन कॉपी पेस्ट ये होता है कि जिस का टेक्स्ट को हम कॉपी करते हैं वो भी उस जगह मौजूद रहता है और हम किसी और जगह उस टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो कट का ऑप्शन है, ये हम अगर हम इससे काम करेंगे तो ये कट करने से जो है ना ये हमारा टैक्स यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और नई जगह फिर हम अगर पेस्ट करेंगे तो फिर वो नई जगह पेस्ट हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। यानी कि एक जगह से ख़त्म होकर दूसरी जगह पे चला जाएगा, ये कट का जो फंक्शन है वो करता है।
काम इसका भी सेम टू सेम कापी पेस्ट वाला ही है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी कि कापी पेस्ट है तो ये होता है कि टैक्स उस जगह पे भी मौजूद रहता है और हम इसे पेस्ट किसी और जगह पे भी जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो कट का जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं उससे ये होता है कि जो टैक्स पहला है वहाँ से वो ख़त्म हो जाता है पहली जगह से, और जो हम नई जगह पर जाकर उसे पेस्ट करते हैं वो उस जगह पर पेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गए हैं कट कॉपी और पेस्ट। फिर इसमें जो पेस्ट स्पेशल है उसके भी आपको समझ आ गई है। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन और है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर क्या काम करता है, यानी कि अगर हम इस ये जो हेडिंग जैसी है टेक्स्ट की एक लाइन, अगर हम इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट प्रिंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो इधर लाके हम इसे अप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम वही फॉर्मेट वही स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल वही साइज़ इसका यहाँ पे आके कॉपी हो जाएगा। यानी कि ये जो एडिटिंग हमने की होगी ना उसको कॉपी करेगा, टेक्स्ट को कॉपी नहीं करेगा, जो हमने फॉर्मेटिंग अपने टेक्स्ट के ऊपर की होगी उस टेक्स्ट को कॉपी करके वो दूसरे टेक्स्ट के ऊपर जिस भी टेक्स्ट के ऊपर हम अप्लाई करेंगे वो सेम टू सेम वही फॉर्मेटिंग उसके ऊपर अप्लाई कर देगा। ठीक है, ये देखें जैसे कि ये एक कलरफुल लाइंस है, अगर हम इसे सेलेक्ट करते हैं, हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक किया और इसके ऊपर लाके इसको फेर दिया, अप्लाई कर दिया, तो ये देखिए ये सेम टू सेम जैसी इसकी फॉर्मेटिंग है, इसकी कलर है, इसका कलर है, इसका टेक्सटाइल है, इसका साइज जितना भी है उसके मुताबिक ये उसे कन्वर्ट कर देगा। यानी कि जितनी भी फॉर्मेटिंग उस टैक्स में होगी ना वो दूसरे टैक्स के ऊपर सेम टू सेम वही फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देगा, यानी कि हमें दोबारा फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम एक और एग्जांपल देते हैं आपको यहाँ से। इसमें और कोई फॉर्मेटिंग नहीं हुई है तो आपको फॉर्मेट प्रिंटर का तो पता चल ही गया होगा कि इसका क्या काम है। तो ये देखे ना, ये एक लाइन की जो है ये बोल्ड किया हुआ है और इसका साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, और अगर हम इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट प्रिंटर के ऊपर क्लिक करते हैं और इन सारे के ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो ये देख सेम टू सेम वही फॉर्मेटिंग जो पहले में थी वो इन सारों में फॉर्मेटिंग आ चुकी है। हमें बार बार एक एक में फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ रही। ठीक है ना, हमें इनका साइज़ बढ़ाना पड़ा ना, इनका जो बोल्ड स्टाइल टेक्सटाइल है वो बढ़ाना पड़ा ना, इनको बोल्ड करना पड़ा, बस हमने सेलेक्ट किया और फॉर्मेट प्रिंटर को सेलेक्ट किया और इनके ऊपर अप्लाई कर दे तो ये सारे के सारे सेम स्टाइल में चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट प्रिंटर का आपको पता चल चुका होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब अगली क्लास में हम आपको होम टैब में जो दूसरा बॉक्स है फॉन्ट का उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।